राम को 10%, रहीम को आप 60%, राम को आप 50% पे पास कर रहे हैं और रहीम के लिए आप 60% रखे हैं। आप भेदभाव पैदा कर दिए यहाँ पे आप। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, ऐसे में आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और उर्दू बंगला स्पेशल TET के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पर। ऐसे में उनको सहयोग मिला है, अवेशी के विधायक हैं किशनगंज से, उनका सहयोग मिला है। पत्रकारों से बात करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं विधायक साहब, सुनिए। हिंदी TET को आपने 50% पे किया है, 10% राम को, 10% रहीम को आप 60%, राम को आप 50% पे पास कर रहे हैं और रहीम के लिए आप 60% रखे हैं। आप भेदभाव पैदा कर दिए यहाँ पे आप यहाँ पे भेदभाव। आप पास करके हमको फेल किए हैं आप 12,000। अच्छा, पास करके फेल करना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, आप हमको बहाल मत कीजिए। इतनी बेइज्जती कीजिएगा आप, इतना हमको कीड़ा मकोड़ा समझ लीजिएगा। 7 सालों से हम केवल रिजल्ट मांग रहे हैं और 7 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर लीगल ओपिनियन मंगवा लिया गया, वो विद्यार्थियों के पक्ष में आया। डायरेक्टर का लेटर निकल गया, 5% कहा डायरेक्टर ने फैसला किया कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके इन लोगों को रिजल्ट आउट कर दिया जाए। फिर भी 3 साल हो गया, फिर भी आउट नहीं किया जा रहा है। और कट ऑफ मार्क्स कम करना पूरे हिंदुस्तान के 22 राज्यों में हुआ है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुद यहाँ पे यानी बिहार में 10% हिंदी वालों को कट ऑफ मार्क्स कम किया है, जनरल हिंदी टीवर्ट। फिर हम क्या हैं हम? 5%। हम कह रहे 5% हम कह रहे 5% के। आज जैसे कि सर 7 साल हो गए, जो सच्चाई बता रहा है, 7 साल हो गया। और 7 साल के बाद में अब तो सबकी उम्र भी खत्म हो रही है, तो अब आज लास्ट में आज भी जब आप लोग बैठे तो कायदगी के साथ जी, अरे लड़ाई लड़ने का तरीका भी होता है। बिल्कुल, आप जा रहे हैं तो कम से कम बैनर तो होना चाहिए ना, कम से कम बैनर भी नहीं आप लोग के पास। बात आपने सच सही कहा कि वहाँ पे बैनर के साथ में कौन, क्यों नहीं जाएंगे आप जी? आप जानने, आप तन्हा नहीं जा रहे, आप डेलीगेशन में तन्हा एहतजाज करने जा रहे थे जी। बिल्कुल, में होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल चलिए, वो है। हम लोग को इस मामले में शुरू दिन से आप लोग के साथ हैं, घूमने के मूड में नहीं आए हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी जमात आपकी आई है, इतनी बड़ी जमात का अलामती कोई वो होना चाहिए कुछ बैनर, ताकि लोग खबर वालों को भी खबर पहुंचाने में आसानी हो। सारी बातें कहकर नहीं, कुछ जवाबें छप कर भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तरीका जो लड़ाई का है सर, आप एक ही की बात है, लड़का लोग क्यों करा के 48 घंटा की खबर मिली, हालांकि आप लोगों के मसाइल से हम उस दिन भी आए हुए थे, आवाज़ पे मुलाकात हुई नहीं। आज के बारे में जी जी, के बारे में सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनरल हिंदी TET वालों को आप 50% और उर्दू बंगला TET उम्मीदवारों को 60%। अच्छा, उसमें 10% की छूट है। ठीक है, बात कर लेता हूँ। सदन में उठाएंगे इस मुद्दा को, आखिर लगाया गया इतने दिनों से। देखिए, हम लोगों का साफ कहना है कि एंडली है जनाब नईमी साहब, हम लोगों ने सिर्फ इन नौजवानों की दर्द को सुनने के लिए यहाँ आने की कोशिश की है कि हम आपके दर्द को जाने। यकीनन है कि रवा इजलास में हम लोग इस सिलसिले में बात करेंगे, वजीर आला का भी को तवज्जो दिलाएंगे। ये नीतीश कुमार कहते हैं कि जितना विकास अल्पसंख्यकों का उनके शासन में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। देखिए, ये सफेद झूठ है। अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आबादी सीमांचल में है और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश में बिहार फिसड्डी है और बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा सीमांचल और नंबर 1 सबसे पसमानदा किशनगंज है। ये अकलियत के साथ दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत है और ये कोई आयरे गैरे की रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक बाजाबता एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। तो आप इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? अब अगर न मानने वालों को, जो लोग जिद में हो, हट धर्म हो, वो अगर न माने तो मनवाना तो हमारा और आपका काम है। इसीलिए तो उर्दू आबादी को कह रहे हैं कि उर्दू आबादी बेदार हो जाओ, अगर तुमने होश के नाखून नहीं लिए तो तुम्हारी नस्लें उर्दू से नहीं बल्कि अपनी माजी की तारीख से बेनियाज हो जाए। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है उर्दू और बंगला के TET अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि वहीं अगर बात की जाए तो राम नाम का जो लड़का है उसको 50% पर उसकी बहाली होती है और रहीम नाम का जो लड़का है उसको 60% लाना पड़ता है। ऐसे में नाइंसाफी हुआ है इन लोगों के साथ और हम तब तक इनके साथ है जब तक इनके साथ कुछ अच्छा ना हो जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें।